हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का पर्व आपकी जिंदगी में इसी प्रकार के रंग आए और आप एक अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बने, यही हमारी आशा है। इसके साथ ही एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज राजस्व विभाग से आई है, जहां पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, 91 पदों पर जो है राजस्व विभाग में बोल सकते हैं सृजन हुआ है। और ये जो पद है सृजन हुआ है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा क्या? तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इसमें पद कौन कौन से। अगर इसमें पदों की जानकारी के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले है डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी, सहायक ग्रेड 2 रीडर, सहायक ग्रेड 3 रटेन टू ऑपरेटर, स्टोन टाइपिस्ट, वाहन चालक और भृत्य। ऐसे करके टोटल 91 पद है प्रत्येक कार्यालय में। यहाँ पे जो 12 जिलों के अंतर्गत 13 जो नवीन अनुविभागीय कार्यालय है वहां पे ये पदों का सृजन हुआ है। अब जैसे पदों का सृजन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पद है ये तुरंत भर लिए जाएंगे। फिलहाल वर्तमान में इसकी व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद फिर आगामी समय में इसका निश्चित रूप से भर्ती होना है। अब रही बात, देखिए डिप्टी कलेक्टर के पद जो है वो सीजीपीएससी के द्वारा भरे जाएंगे। सहायक ग्रेड 2 का जो पद है वो प्रमोशन का पद है। सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस पद की भर्तियां आना ही है। और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी भी भर्ती आना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस विभाग में बड़ी भर्ती आपको आगामी समय में देखने को मिल सकती है। अब देखिए राजस्व विभाग में ही पटवारी और आरआई की बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। आगामी समय में जैसे आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद इस प्रोसेस में और गति मिलेगी। तो आप लोग आचार संहिता के बाद राजस्व विभाग में बड़ी भर्ती, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोटाइपिस्ट हो, भृत्य हो, इसके अलावा पटवारी हो, आरआई हो, इसके अलावा सहायक संचालक, इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ऐसे अनेक पद जो है वो नायब जो राजस्व विभाग में पड़े हुए हैं। और आगामी समय में इस पर आपको भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप लोग अभी से तैयारी करिएगा, बहुत ही कम समय है। मार्च जो है वो निकल चुका है, अब बस अप्रैल मई और जून, ये 2 महीने से 3 महीने है। उसके बाद आपको फिर से जो है भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में आपको शानदार और पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए और होली अच्छे से मनाइए। और देखिएगा इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर हॉस्टल वार्डन भर्ती में कंप्यूटर हम किससे पढ़े और कैसे पढ़े। तो देखिए आप लोगों का जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा दिया गया है। बड़े मुश्किल से 5 यूनिट्स जो है वो दिए गए हैं, 5 से 6 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें कि SCF, SCF है, मतलब महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, प्रतिशत, अनुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज, उसके अलावा रेखा, कोण और फिर क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयतन, इस प्रकार के जो है नॉर्मल टॉपिक्स दिए गए हैं। और आपको अभी क्या करना है कि सबसे पहले बात कि वर्तमान में जो बोल सकते जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं व्यापम के, उसको आपको बना बना के देखना है। आपको सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद आप क्या करिएगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पर बुक कौन सा पढ़े, तो आपको सिर्फ एक बुक पढ़ना है मैथ्स की, जिसका नाम है HD यादव या आपका RS अग्रवाल, दोनों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं और जो कि बहुत ही गणित के लिए फायदेमंद होगी। और आपको देखिए वो इतनी मोटी मोटी बुक है, आपको उस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी ये करना है कि जितने भी व्यापम के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आपको बना के देखना है पहली बात, और फिर उस बुक को देखना है कि और इस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न है। आपको बड़े मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से 10 टॉपिक अगर हम देखें इकाई को अगर हटा के, तो 10 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। और जो कि आपको आए हुए क्वेश्चन से, आपको जितना आया हुआ क्वेश्चन वो आपको देखने को देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए जो लोग कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं वो सीजी व्यापम हब के नाम से ऐप बना है, सीजी एग्जाम हब के नाम पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे अभी होली का ऑफर चल रहा है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हो या आपको प्रयोगशाला परिचालक के लिए हो, तो वहाँ पे ये सभी के लिए ये जो है इस कोर्स में सभी को बोल सकते कवर किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में आपको इस एग्जाम का जो है, इस कोर्स का जो है वो लाभ हो सके इस एग्जाम में। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। इसके अतिरिक्त देखिए RPF में SI व आरक्षक के 4,660 पदों पर भर्ती होगी। 15 अप्रैल से शुरू होगा भर्ती प्रक्रिया। बताया गया कि रेलवे सुरक्षा बल में जो RPF में सब इंस्पेक्टर के 452 व कांस्टेबल के 4,202 यानी कुल 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक
पूरी की जाएगी। इस भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन व आयु सीमा मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 28 वर्ष तथा कांस्टेबल के पद पर निर्धारित योग्यता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण या समकक्ष व आयु सीमा 20 से 28 वर्ष में रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी की गई इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन से फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी 2 से 8 मार्च के रोजगार समाचार तथा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि लगभग 4,660 पद और छत्तीसगढ़ में 6,000 पद, इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे पद पुलिस के निकले हुए हैं, तो आप लोग उस पर फॉर्म भर के अपनी मेहनत करके एक पद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होगी, वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।